यहाँ की गलियाँ देख सकते हो कितनी पतली। इस भाई की तरफ से पार्टी आई थी। हेलो एवरीवन, वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। छोटों को और बड़ों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत हो गए। और आज बाहर थोड़ा बहुत काम है, वो काम करना है, फिर उसके बाद अपने को जाना है, साइकिल रिपेयर कराना है, साइकिल में जो सर्विसिंग है वो करवाना है, उसके बाद को मिलता हूँ खाने के बाद। ओके, खाने में है फ्लावर, खाने का हो चुका है। और ये साइकिल जो है मैंने हीरो की, इसमें जो है ना, इधर से परसों थोड़ा मसला हो गया था, तो ये जो ब्रेक है ना, इधर टच होता है ऊपर जाने के बाद है ना, इस पर टच हो जाता है, तो इसको रिपेयर कराने का है। रिपेयर कराने के लिए अभी जाने का है और रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस मिलेगा। उसके साथ साथ मुझे दो ऑर्डर मिले हो, दो ऑर्डर छोड़ के फिर मेरे को सर्विसिंग कराने जाने का है, तो मैं दो ऑर्डर कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद सर्विस आपको। ये हमारा पहला ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, यहाँ कोई है तो नहीं। यहाँ की गलियाँ देख सकते हो कितनी पतली, एकदम जहाँ से सिर्फ साइकिल निकल सकती है और बाइक नहीं, इसके लिए साइकिल से ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये सेकंड ऑर्डर है, ये वाला सेकंड ऑर्डर। पहले यहाँ पे कॉर्नर में जो साइकिल वाला उससे पूछते हैं, बट वो बंद है, अभी आगे जाके ही पूछना पड़ेगा। संडे है तो पता नहीं वो रिपेयर करेगा या नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत भीड़ रहती है। ये देख सकते हो कि कैसी एकदम पर आउट डील रहा है। ओके, ये देखो टायर घुमा रहा ना, तो टायर घुमाते घुमाते ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा, वो अचानक ब्रेक लग जा रहा है ना, ऑटोमेटिक ब्रेक लग रहा है, इसकी वजह से मसला हो जा रहा है। अब खोल रहे, देखते आगे क्या क्या होएगा और कितना लंबा खर्चा आने वाला है पता नहीं। साइकिल वाले भाई बोल रहे कि ये खोल के पूरा टाइट करना पड़ेगा, बोले 150 रुपये खर्चा आएगा, और 150 रुपये खर्चा नहीं करा तो 450 का खर्चा कराओ, करने के मारे को परवड़ेगा तो ये करा, मैं तो वो करा, ऐसा बोले है। अपने हिसाब से 150 रुपये बहुत है। अब पूरा टेढ़ा, थोड़ा बहुत टेढ़ा करेंगे उसको, लेवल करेंगे फिर हो जाएगा। शायद से बहुत ज़्यादा ही हुआ है बैंड, इसके लिए वो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इतनी मेहनत के बाद नहीं हुआ, इसके लिए अब टायर और ट्यूब दोनों निकालने के बाद अभी वापस से करेंगे शायद से। ये क्या हो रहा है हमारे साथ यार, टायर ट्यूब निकाल दिए, अभी बस जहाँ से टेढ़ा है उसको सीधा करेंगे, फिर भी नहीं हो पा रहा है, इसके लिए अभी पैर से कुछ कर रहे चाचा। बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में, ऐसा लग रहा है अभी पूरा टेढ़ा कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हो गया, रिपेयर बन गया, अभी चाचा ट्यूब और टायर लगा के वापस फिटिंग कर देंगे। अब बस फिटिंग करेंगे, नट बोल्ट टाइट करेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। हवा भर दी है, हो गया फाइनली। साइकिल का जो खर्चा था वो हो चुका है, उसका जो सर्विसिंग था वो भी हो चुका। ऐसा था कि दिन पहले टर्न फुल बड़ा टर्न था, तो वहाँ टर्न पे मैंने मतलब वो अचानक आया और मैं भी एकदम स्पीड में ही था, थोड़ी बहुत टक्कर हो गई थी, तो उसका जो थोड़ा बेंड हो गया था, वैसा मतलब बेंड होने की वजह से पूरा व्हील आउट हो रही थी, बस वही हो गया जा रहे। हद से ज़्यादा धूप है और बहुत गर्म धूप है, चटका लग रहा है फेस पे।
दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और उसने मुझे बुलाया था 8 बजे, और लेट मतलब ज़्यादा के ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, 1 घंटे लेट हूँ, 9 बज गए यहाँ ही। अच्छा, और अभी उसका फ़ोन पे फ़ोन आ रहा, बोलता है जल्दी आ भाई, सब जमा, सब आ गए। मैं बोला अभी थोड़ा बहुत काम बाकी हो कंप्लीट करने के बाद में, उसको न बोला नमाज़ पढ़ने के बाद में फ़ौरन 9 बजा था, फिर भी 9 बज गए और मेरी लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद एक और है, इस फिर कंप्लीट करके फ़ौरन आपको वहाँ मिलता। A few moments later. हरकतें बच्चे दाय हरकत ही खत्म नहीं हरकतें चिन देगा। प्लेस का लेना पड़ेगा ना। फाइनली खत्म हो चुका था सब, इस भाई की तरफ से पार्टी आई थी। चल बच्ची, चल मेरी जान, चल बाबा, मैं आ रहा हूँ तेरे साथ, आ जा, चलो दास्तान भाई। बस क्या मेरी जान, कौन है ये लोग, भाग किधर रहा, भाग किधर रहा, तू आ गया बेटा अंदर आ गया शेम। बहुत शर्मा था बच्ची, तू बहुत शर्मा था। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। तो फाइनली खत्म हो चुका है और अभी घर पे जा रहे हैं। हाँ फाइनली त्रिपला में जा रहे हैं। वे क्या, चल भाई चलते दुआ में याद रख। घर पे आ गया वो, थोड़ा देख लेते राज की चाय है कंटिन्यूस चेस, और इसका स्वाद एकदम अलग ही है, एकदम अलग, जो एक बार जबान पे लग जाए, होठों पे लग जाए तो फिर छोड़ने का मन ही नहीं होता है। बहुत बेहतर और बेहतरीन और बहुत प्यारी चाय। ये थी बहुत प्यारी रजवाड़ी चाय, जो कि एकदम मजा ही आ गया, एकदम जोश आ गया बदन के अंदर। क्या बात है, एकदम मन भर गया पाटिल रजवाड़ी चाय। यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं, और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सब्सक्राइब करो ताकि ब्लॉग कैसा लगा आपको। ओके।